जवाब दो। सारे शहर के अंदर लाइटें लगाई हैं, 90,000 लाइटें लगी, 35,000 लाइटें खराब पड़ी हुई हैं, और सब स्मार्ट सिटी का गुणगान करने का प्रयास करना चाहते हैं। 90,000 में से 35,000 लाइटें खराब, अंधेरा शहर के अंदर, और हम इसको स्मार्ट बोलने का प्रयास कर रहे हैं। और एक लाइट की कीमत 7,000 रुपये है जी, 9,000 से जर्व दे लो, इनकम निकाल लो, उसके कितने पैसे खर्चे, लेकिन किसी के कान के अंदर जूं रिंगने का प्रयास नहीं हो रहा। सब स्मार्ट कह रहे हैं, गुणगान करते हैं, पर मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, इस घपले के अंदर शामिल कौन कौन है। गारंटी पीरियड 1.5 साल है जी, गारंटी पीरियड के अंदर उसकी गारंटी पूरी नहीं हुई, हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। ESL कंपनी ने कहा कहीं पर भी कोई लाइट खराब होगी, एक कंट्रोल रूम जम्मू शहर के अंदर खोलेंगे। जब से लाइटें लगी कंट्रोल रूम नहीं नज़र आया। मैंने बड़ी जगह ढूंढा, पुलिस वालों के पास भी गया, ESL कंपनी का कंट्रोल रूम कहाँ है कृपा करके बताने का प्रयास करो। अगर कंट्रोल रूम नहीं खोला, अगर यहाँ रिपोर्ट दर्ज करनी है वो कार्यालय नहीं खुला, तो फिर साठ गांठ है किसकी किसकी भाई, माल किस किस को पहुंचा, ये जवाब देने का आपको प्रयास करना होगा। और ये जो स्मार्ट सिटी का नाम हम ले रहे हैं, ये अंधेरी सिटी मैं कह रहा हूँ, कोई स्मार्ट नहीं है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर, ये जो 90,000 लाइटें लगने के बाद 35,000 खराब हो गई, इसके लिए दोषी कौन है, इसके लिए कौन कौन अधिकारी हैं जो उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करते। FIR दर्ज करो, उसको डिबार करो कि दोबारा वो इस ठेके के अंदर नहीं आए, और FIR करके इसके खिलाफ कार्रवाई करो, पूरे पैसे वसूलो। लेकिन ये अगर नहीं होगा, अगला धरना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ESL के बाहर लगाऊंगा। ये जम्मू का पैसा है, स्मार्ट सिटी का पैसा है, इसको ऐसे व्यर्थ गंवाने का प्रयास अगर कोई करेगा तो उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो करो।